वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन भजन संहिता साम नंबर भजन 56 56 वचन 4 पढ़ेंगे। मैं वचन की महिमा करूंगा, क्या है? हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है? हां, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। मैं किसकी महिमा करूंगा? प्रभु की। तो मैंने बोला था ना, आज पहले पर्सनल प्रेयर निजी प्रार्थना, दूसरा फैमिली प्रेयर, और फैमिली प्रेयर पर हम और जोर से जाएंगे, क्योंकि परिवार ही अच्छा है तो हमारा पड़ोस अच्छा होगा। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हमारा देश अच्छा होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, मैं तेरे वचन की महिमा करूंगा, मैं तेरे वचन की महिमा करूंगा। मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया 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 हालेलुया। भजन संहिता 93 वचन 5 हम पढ़ेंगे, 5। प्रभु तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। हाँ, प्रभु तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। आगे, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। जिनके घर में वचन खुला रहेगा, जिनके घर में ईश्वर के वचन की महिमा होगी, उस घर में यही होगा जो वचन में हमने सुना है। ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम साम नंबर 56 पढ़ रहे थे, वापस जाएंगे, आपको मिल गया वो 56। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूं। ईश्वर की प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूं। कौन सा है? 5 5 है। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। हाँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। आगे, और नहीं डरता, निरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अभी हम, मैं पढ़ना चाहता 9 वचन से पढ़ेंगे, 9 से। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। आगे, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा किसको पीछे हटना पड़ेगा? आपके शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा जिस दिन आप ईश्वर के वचन को पुकारेंगे, जिस दिन आप ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन आप ईश्वर के वचन के साथ जीना शुरू करेंगे, आपके शत्रु पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर मेरे, प्रभु वचन के द्वारा हमारे साथ है। प्रभु किसके द्वारा हमारे साथ है? जिनके हाथ में बाइबल है उनके हाथ में ईश्वर है, जिनके हाथ में बाइबल है उनके हाथ में विश्वास करते हैं। वचन क्या है? वचन ही। ताली बजाइए ईश्वर के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, प्रभु पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता, निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं?
फिर वापस प्रभु वही शब्द बोल रहे हैं, मैं ईश्वर के वचन की स्तुति करता हूं, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल अध्याय 13। पहली मसीही संगत क्या कर रही थी? प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन 44 सुनेंगे। 44। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। हाँ, सभी लोग किसके लिए इकट्ठे हुए थे? कौन कौन वचन सुन रहे अभी? मैं बार बार हाथ उठाऊंगा क्योंकि आपको शैतान आपके कान में पूछ डालेगा, आपको लोरी देगा, सो जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, फिर से पढ़े सभी जन दोनों हाथ उठाकर। भाई संदीप जी के पीछे पीछे बोलेंगे, 44 से लेकर 48 तक, 48 तक सभी लोग। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग, सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए, ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर, यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे, ईर्ष्या से जल रहे थे, और पौलुस की निंदा करते हुए, और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे, उसकी बातों का अखंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर, निडर होकर कहा, कहा, यह आवश्यक था, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को, कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, और अपने को, और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते, अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए अब हम, इसलिए अब हम गैर यहूदियों के पास जाते हैं, गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा, इससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश, मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह देखकर, गैर यहूदी यह देखकर आनंदित हो गए, आनंदित हो गए, और ईश्वर के वचन की, और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे, स्तुति करते ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। ताली बजाइए, ईश्वर के वचन की स्तुति हो, ईश्वर के वचन की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या होनी चाहिए ईश्वर के वचन की? तो पहले मैंने एक पॉइंट लिया था, पर्सनल प्रेयर, दूसरा था फैमिली प्रेयर, अभी हम लेंगे तीसरा है कलीसिया की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? जिनकी पर्सनल प्रेयर मजबूत है उनका परिवार मजबूत है, जिनका परिवार प्रार्थना में मजबूत है वहां की कलीसिया मजबूत है। तो अभी हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में जाएंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 14 से सुनेंगे। वे सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? वे सब एक हृदय होकर, हाँ सभी लोग एक हृदय होकर, मतलब क्या है? पूरी कलीसिया ने एक हृदय होना है, एक मन होकर प्रार्थना करनी है, करते हैं। अभी आपके बीच में बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, आप एक एक पैरिश से उन लोगों को लेकर आए हैं, वो प्रार्थना ग्रुप चलाते हैं, क्या आप लोग उनके साथ हैं? आवाज ठंडी पड़ गई है, ठंडा ठंडा डर्मी कूल बन चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो वचन कहता है, फिर से सुने, दोनों हाथ उठा ले, ये सब एक हृदय होकर, एक हृदय होकर नारियों, नारियों ईसा की माता मरियम, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ, तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे। 15 वचन पढ़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर रखें। उन दिनों पेत्रुस भाइयों के बीच खड़े हो गए, भाइयों के बीच खड़े हो गए, वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे, 120 व्यक्ति एकत्र थे। कितने लोग थे? 120। जोर से बोलिए, कितने होने चाहिए थे? 120 वो हैं जिनको जीवित ईश्वर ने दर्शन दिए थे, जिन लोगों को जिंदा यीशु ने दर्शन दिया था। तो उनमें से कितने लोग आए हैं? 380 कहां है? 380 प्लस 120 कितने हो गए? जोर से बोलिए, 500। कितने? 500 लोगों की आवाज भी नहीं है इधर। कितने लोगों की आवाज होनी चाहिए थी? हालेलुया। आप लोग मुझसे पूछेंगे, आपको कैसे पता? पहला कुरिन्थिया, कुरिन्थियस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 वचन 5 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए हमारी पैरिश कम होती जा रही है। हम जीवित यीशु के दर्शन नहीं कर रहे। जो जीवित यीशु हमारे बीच में है, हम उनके पास नहीं जा रहे। उस जीवित यीशु का जीवित वचन हम नहीं सुन रहे, नहीं पढ़ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। वह कैफस को और बाद में बारहों को, बारहों में दिखाई दिए। हाँ, पहले पत्रस को, फिर 12 शिष्यों को, आगे फिर वह एक ही समय, फिर वो कितने समय में? जोर से बोलिए, एक ही समय। हाँ जी, आगे 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। कितने लोगों को दिखाई दिए? इसका मतलब 120 है उधर, कितने होने चाहिए थे? हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब 120 पर पवित्र आत्मा उतरा, कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा? 120। कैसे पता? नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है, प्रेरित चरित्र में लिखा है, वचन में लिखा है, पेंतेकोस्त के दिन अध्याय 2 वचन 1 में पढ़ेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। हाँ, सभी एक स्थान पर इकट्ठे थे। उन पर क्या उतराया? पवित्र आत्मा। आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए। तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हाँ, 120 पर पवित्र आत्मा उतर आया, 120 ने पवित्र आत्मा की भाषा बोली। जिस दिन हमारी पैरिश किसकी भाषा बोलेगी? पवित्र आत्मा की भाषा बोलेंगे, आपका चर्च बढ़ जाएगा। जिस दिन आप लोग पवित्र आत्मा की भाषा बोलेंगे, आपका चर्च, जिस दिन आप लोग पवित्र आत्मा की भाषा बोलना शुरू करेंगे, आपका परिवार बढ़ जाएगा। कोई बढ़ाना नहीं चाहते, आजकल नारा है, दो ही काफी और तो माफी। हाँ, गाड़ी के पीछे कह ले, दो ही काफी और से माफी। हाँ, एक बच्चा काफी आजकल। लेकिन प्रभु कहता है, आप पवित्र आत्मा की भाषा बोलेंगे,
प्रभु के अनुयायी बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। कैसे पता बढ़ेंगे? प्रेरित चरित्र अध्याय 2:37 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, 37 से पढ़ेंगे। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा। हाँ, किसने बोला? लोगों जोर, किसने? लोगों ने। लोगों ने किससे कहा? पेत्रुस और अन्य प्रेरितों से। पत्रस से कहा, क्या कहा सुनिए। भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, लोगों ने पत्रस से क्या पूछा? पत्रस के ऊपर जब पवित्र आत्मा नहीं था, वो कौन सा आदमी था? वो डरपोक था। क्या था? डरपोक, डरने वाला था। वो औरतों से डरता था। आपको पता है, जब यीशु को पकड़ा, औरत ने पूछा, आप भी यीशु का शिष्य है? वो बोलता, मैं उसे उस। फिर दूसरी औरत ने पूछा, फिर तीसरी औरत ने पूछा। इसलिए मैं पत्रस को क्या कहता हूं? किससे डरने वाला? औरतों से डरने वाला। पर जब पत्रस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो किसी से नहीं डरा, वो चूहे से शेर बन गया। तालियां बजाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। पत्रस से लोग पूछते हैं, भाइयों हम क्या करें? तो कलीसिया पूछेगी, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगी, आप कहां जाते हैं? आप क्या करते हैं? हम क्या करें? आपसे लोग पूछते हैं, कौन सा चैनल देखते हैं? सोनी टीवी देखते हैं हा? और कौन सा देखते हैं? नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, दूसरों को देखकर ताली बजाते हैं। हालेलुया हालेलुया। दूसरों को देखकर क्या करते हैं? वेरी गुड, अंगूठा दिखाते हैं। हालेलुया। जब पत्रस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, लोगों ने पूछा क्या करें? सुनिए, पत्रस ने क्या जवाब दिया पवित्र आत्मा से भरकर, सुनिए। पेत्रुस ने उनसे कहा, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोग क्या करें? पश्चाताप। यदि आपकी पैरिश नहीं बढ़ रही, यदि आपका परिवार नहीं बढ़ रहा, यदि आपका जीवन सफल नहीं हो रहा, पहला काम करें, पश्चाताप करें। आपका बच्चा चर्च नहीं जा रहा, आपका भाई चर्च नहीं जा रहा, आपका पति चर्च नहीं जा रहा, आपकी बेटी चर्च नहीं जा रही, आपकी पत्नी चर्च नहीं जा रही, तो पहला काम क्या करें? पश्चाताप करें। आगे सुने, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। पाप स्वीकार करें, संस्कार ले। आगे, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा कब आएगा? पश्चाताप करना शुरू करेंगे। हालेलुया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग उधर जाकर पाप स्वीकार कर रहे हैं, ताली बजाइए एक दूसरे के लिए। आप लोग कर रहे हैं और आप पर पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया हालेलुया। तो सुनेंगे, 120 से पहले दिन उनकी कलीसिया कितनी हो गई, सुनेंगे 41:41 वचन में। जिन्होंने पेत्रुस की बातों पर विश्वास किया, जोर से बोलिए, दाया हाथ उठाकर बोले, जिनको नींद आ रही है जोर से बोले, आवाज ठंडी होती जा रही है धीरे धीरे। ब्रदर जी जोर से बोले, आपके पीछे बोलेंगे, दो दाया हाथ उठाकर। जिन्होंने पेत्रुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3,000 लोग
3,000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। शिष्यों से सम्मिलित हो गए। कितने लोग आ गए? तो इधर कितने लोग होने चाहिए? यदि आप लोग कल को पवित्र आत्मा से भर कर जाएंगे तो यहां पर जरूर कितने लोग होंगे? ये तो 120 थे, 120 लोग कितने को लेकर आ गए? आप तो 1,000 से ऊपर हैं। हालेलुया, हालेलुया। 3,000 क्यों हो गए? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा दिखाई दे रहा था। जिस दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा दिखाई देगा, जीवन ज्योति आश्रम का ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। हालेलुया, आपका गिरजा छोटा हो जाएगा। हाँ, एक बहन बोलती है हालेलुया, बाकी क्या बोलते हैं? दूसरे आएंगे, फादर हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम लुक नहीं लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 3,000 लोग बाहर गए। अध्याय 4 में सुनते हैं, अध्याय 4 में वचन 4 में पढ़िए। जब ये 3,000 लोग बाहर गए, सुनिए, नेक्स्ट डे कितने लोग हो गए? सुनिए, उन्होंने उनका प्रवचन सुना था। हाँ, उन्होंने उनका प्रवचन, जोर से बोलिए, जिन्होंने प्रवचन सुना है, ध्यान दिया है, वो दूसरों को लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। उनमें बहुतों ने विश्वास किया, बहुतों ने उनमें से विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 तक पहुंच गई। पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? हमारे चर्चेस में किनकी संख्या कम है? कितने के लोगों की संख्या कम है? ज्यादा कौन आते हैं? लेडीज आते हैं, और लेडास नहीं आते हैं। हाँ, भाई लोग। तो उस समय संख्या किनकी ज्यादा हो गई? ताली बजाइए हमारे भाइयों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली बजाएं। तो मैंने आपके सामने तीन बातें रखी हैं, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर और चर्च की प्रार्थना। जो सचमुच प्रार्थना में है उनका जीवन बदलता है। बोलो, जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन सुनेंगे, प्रार्थना जीवन बदलती है। बोलिए, प्रार्थना जीवन बदलती है। मैं एक उदाहरण रखूंगा आप लोगों के बीच में। तो पहले वचन सुनेंगे, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। सब के सब। तो क्या जरूरी है? बदलाव जरूरी है। हालेलुया। क्या जरूरी है? पश्चाताप, बदलाव जरूरी है। आगे पढ़े, अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। यदि पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है जब आप लोग पश्चाताप करते क्या होता है? नरक में तूफान आता है। क्या आता है नरक में?
और स्वर्ग में डीजे लगता है। हालेलुया, सुनना चाहते हैं? संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 से सुनेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। स्वर्ग में किसके लिए आनंद मनाया जाता है? जब एक पश्चातापी भी पाप छोड़कर, पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौट आता है। आप लोग ताली बजाकर आनंदित आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन 10 में सुनेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, इस प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। स्वर्गदूत किसके लिए आनंद मनाते हैं? आप पाप स्वीकार कर इधर आएंगे, आपका नाम लिखा जाएगा कहां, और आपके लिए आनंद मनाया जाएगा कहां पर? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आप दुखी मन से आएंगे लेकिन उल्लसित होकर आनंद के साथ यहां से जाएंगे। हालेलुया, ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, ऐसे मैंने बोला था आपके सामने, मैं उदाहरण रखना चाहता हूं। जिसने सब बहुत बड़ा पाप किया, बाद में सबसे ज्यादा प्रभु की आराधना की, कौन है वो? हां जी, कौन है? छत पर कौन गया? हाँ, दाऊद। उसने उरिया की पत्नी को देखा, राजा दाऊद। ताली बजाइए दाऊद के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या लिखे बाद में? स्तोत्र ग्रंथ लिखा। वेरी गुड, ताली बजाइए। सामुएल का पहला ग्रंथ खोलेंगे, अध्याय 16 वचन 2 से पढ़ेंगे। सामुएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूं? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूं। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी को मेरी ओर से अभिषेक करोगे। एक का क्या करोगे? अभिषेक। किसके बेटा है? दाऊद के बेटे का नाम क्या है? दाऊद के पापा का नाम क्या है? जैसे जैसे को दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वैसा ही किया। जब वह बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबरा कर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो है? सामुएल ने कहा, सब कुशल है, मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। वचन 6 से पढ़ेंगे। जब वे आए और सामुएल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो। प्रभु बाहर से नहीं देखता। कल ब्रदर संदीप बोल रहे थे, प्रभु क्या नहीं, वो शब्द लेपा लेपापोती, कौन सा शब्द हो? हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं एक जगह गया कन्वेंशन के लिए, लेडीज मुंह नहीं खोल रही थी। मैंने पूछा, लेडीज मुंह क्यों नहीं खोलती? एक बहन आई, फादर इनकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।
क्या आज शैतान ने आपके मुंह पर लिपस्टिक लगा दिया कि आप मुंह ना खोलें? लिपस्टिक की जगह चिपस्टिक लगा दिया। हालेलुया। वो चिपस्टिक को तोड़ दे और मुंह खोलकर बोले हालेलुया। वचन सात में क्या लिखा फिर से बोले, दो दाया हाथ उठाकर बोले, परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, ईश्वर ने साम्यूल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो। हाँ, रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो, ध्यान मत रखो। आगे, मैं उसे नहीं चाहता, मैं उसे नहीं चाहता, नहीं चाहता। आगे, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मेरा मैं मनुष्य के जैसे विचार नहीं करता। आगे, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, मनुष्य तो बाहर से देखता है। आगे, किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्रभु क्या देखता है? हृदय। तो आप लोगों ने हृदय से पश्चाताप करना है। उठकर जाने से, उधर से वापस आने से लोग देखेंगे, लेकिन प्रभु ने देखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की चोन हृदय वालों से है। इसलिए जैसे ने अपने एक बेटे को दूसरे बेटे को आगे लेकर आया, इसका अभिषेक करो, इसका अभिषेक करो। वचन 10 में सुनेंगे अंत में क्या हुआ, सुनिए। इस प्रकार यिशे ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित किया। जैसे ने कितने पुत्रों को सामने किया? 7। कितने बेटे थे उसके? आप लोग गलत है, 8। कितने थे? 8। तो सबसे बढ़िया पीछे रखा है। आगे पढ़िए। किंतु समूएल ने यिशे से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। हाँ, प्रभु ने 7 में से किसी को नहीं चुना। आगे सुनिए। उसने यिशे से कहा, क्या तुम्हारे इतने ही पुत्र हैं? यिशे ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़े चरा रहा है। तब समूएल ने यिशे से कहा, उसे बुला भेजो। हालेलुया, हालेलुया। एक कहाँ था? भेड़े चरा रहा। वो भेड़ बकरियां चराते चराते क्या करता था? बांसुरी बजाता था, प्रभु की स्तुति करता था। उसके पास एक 10 तार वाला सितार था, साज बजाता था। आज हमारे चर्चेस में साज बजाने वालों की कमी है या नहीं? जिनको आता है वो कहां है? ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ घूमते हैं। हालेलुया, हालेलुया। होटल्स में बजाते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए अपने बेटे बेटियों को भेजना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 12 से सुनेंगे। इसलिए यिशे ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर उसके अंदर ईश्वर की दैव्य शक्ति थी, उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे से ईश्वर की खुशबू आ रही थी। ताली बजाइए। कल मैंने बोला आपके अंदर से खुशबू आए। जब दाऊद को देखा साम्यूल ने क्या बोला, सुनिए। आगे पढ़िए। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो इसका अभिषेक करो। इसका क्या करो? अभिषेक करो। दिल से बोलो क्या करो? अभिषेक, अभिषेक करो। और दाऊद का क्या कर दिया गया? अभिषेक। जोर से बोलिए। कितने साल का था? 16 साल का था। उसके पास आधार कार्ड है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाइए उस बहन के लिए। क्या 16 साल का कोई राजा बन सकता? तो दाऊद राजा कब बना? 13 साल बाद। कितने सालों के बाद? तो 13 साल दाऊद क्या करता रहा? जोर से बोलिए। आप काम को देखते हैं, उसके आत्मिक काम को देखें। वो भजन गाता रहा, स्तुति करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद राजा बना,
राजाओं का काम क्या होता है? दूसरे राजे के ऊपर हमला करना और उसको जीत लेना और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना। लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने उस पर राज कब्जा किया, युद्ध किया। कितने युद्ध किए? जोर से बोले, दाऊद के साथ कितने युद्ध किए गए? 60। पर 66 में से वो एक भी युद्ध नहीं हारा। क्यों? क्योंकि वो वचन पढ़ता था, वचन लिखता था, ईश्वर की महिमा और स्तुति करता था। ताली बजाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। समझाया दाऊद के ऊपर कितने आक्रमण हुए, कितने राजाओं ने उनके ऊपर हमला किया। 66। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें पता है जब दाऊद राजा था उससे पाप हो गया, पर उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद दाऊद कहता है, सुनिए, इतिहास का पहला ग्रंथ, इतिहास, इतिहास वचन अध्याय 22, अध्याय 22 वचन 1। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़े क्या लिखा है? प्रभु का मंदिर होगा यहाँ। दाऊद प्रभु के लिए क्या बनाना चाहता है? मंदिर बनाना चाहता है। ताली बजाइए। लेकिन प्रभु कहता है, दाऊद तुम मंदिर नहीं बनाओगे, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा। दाऊद के बेटे का नाम क्या? सुलेमान। तो दाऊद ने मेहनत की। सारे बोले, दाऊद ने क्या कहा किया? मेहनत की, हार्ड वर्क किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन 14 से पढ़े, 14 से हम देखेंगे दाऊद ने ईश्वर के मंदिर के लिए कितनी मेहनत की। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, 12-13-14। देखो, मैंने बड़े परिश्रम से, बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के मंदिर के लिए 100,000 मन सोना, 100,000 मन सोना। कितना सोना? 100,000। इस शेड की कितनी वेट कितना होगा? 100,000 मन होगा। तो दाऊद ने कितना सोना इकट्ठा किया? 100,000। जोर से बोलिए, 100,000। आगे 10,000 मन चांदी, 10,000 मन। हमने इतना दिया? हमारे पास नहीं है इतना कासा। हाँ, कितना कासा? इतना, इतना कासा और लोहा कि वह तोला नहीं जा सकता था। इतना था, तोला नहीं जा सकता। ताली बजाइए। जनी के 3,500,000 किलो सोना। कितना सोना? 3,500,000। हमारे पास एक एक किलो भी नहीं होगा। कई इधर प्लास्टिक पहनकर घूमते। क्या पहनकर घूमते? हम कौन है? राजकुमार और राजकुमार और राजकुमारियां का क्या पहनते? सोना। इसलिए दाऊद ईश्वर का बेटा था, राजा था, उसका बेटा राजकुमार था, उन्होंने सोना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना सोना? 100,000। 100,000 मन, 100,000 मन। और चांदी कितनी? 10,000,000 मन, 10,000,000 मन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे 23वां अध्याय खोलेंगे, 23वां अध्याय वचन 2 से पढ़ेंगे। वो मंदिर कितना बड़ा था, सुनिए। फिर उसने इसराइल के सभी नेताओं, याजकों,
लेवियों को एकत्र किया। उसने लेवियों की गणना की गई जिसका अस्वस्थ 30 वर्ष या उससे अधिक थी अवस्था सॉरी जिसकी अवस्था 30 वर्ष या उससे अधिक थी। उनकी कुल संख्या 48,000 थी। कितनी संख्या थी? 48। यानी कि उस मंदिर में कितने लोग आ सकते थे? ताली बजाइए। इधर 3,000 आ जाए हमारे सेवादार थोड़ा घबरा जाएंगे, कैसे करें, कहां भेजें, बाथरूम कम है, वो कम है। मेहनत की, हालेलुया। यदि आप लोग मेहनत करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आपके पास भी होगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास सोना होगा, आपके पास चांदी होगी, क्योंकि आप और हम कौन है? राजकुमार और राजकुमारियां हैं, राजकुमार हैं, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़े। उनमें 24,000 प्रभु के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। हाँ 24,000 सेवा का काम करते थे, कितने लोग? 24,000। आगे 6,000 सचिव। हाँ 6,000 सचिव और न्यायकर्ता लेखा रखने के लिए सेक्रेटरीज, हाँ राइटर्स जो भी आ रहा लिखते थे, कितने थे वो? 6,000। आगे 4,000 द्वारपाल। हाँ 4,000 द्वारपाल, चौकीदार, गेटकीपर। हालेलुया। 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 हाँ जी आगे 4,000 इसीलिए नियुक्त किए गए थे कि वे बाधकों द्वारा प्रभु के सामने स्तुति गान करें। हाँ 4,000 लोग क्या करें? उनका स्तुति गान करें। आज हमारे पास 4,000 नहीं है, हमारे घर में सिर्फ 3 हैं, हम 3 लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हमारे मंदिर में चर्च में 200 हैं, 300 हैं, पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु की स्तुति करे तो आपके घर में प्रभु की आशीष होगी जैसे दाऊद पर आ गई। हालेलुया। 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 जीवन बदलेगा तो होगा, जीवन बदलेगा तो, नहीं तो नहीं होगा। दाऊद ने जीवन बदल लिया, पाप वाला जीवन छोड़ दिया, पश्चाताप किया, मेहनत करनी शुरू की और प्रभु ने उसे देना शुरू कर दिया। हमने सुना जब हम पश्चाताप करते हैं, परिवार पश्चाताप करता है, कलीसिया पश्चाताप करती है तो खुशी कहां मनाई जाती है? सारे खड़े हो जाइए, आज हम उन स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर खुशी मनाए।